हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल देसी निधि निरोपा, और मैं हूं निधि आपके साथ। और आज हम आए हुए हैं माउंटेन्स में, कालिनबर्ग में आए हुए हैं, और ये वियना का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। क्यों है इतना ये फेमस, इसके लिए आपको एक बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाती हूँ मैं, तो लेट्स गो। और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है जो काफ़ी पुराना है, 1930 का ये रेस्टोरेंट। यहाँ से वियना का व्यू बहुत अमेजिंग है। हमें देखो, लोग फोटो सेशन करा रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे लोगों ने लॉक लगा के रखा हुआ है। और अभी हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया, और अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ। मन कर रहा है कि मैं समोसा खाऊँ अच्छे से, कॉफ़ी पीऊँ, तो देखते हैं चलो अभी क्या खाते हैं हम। And ta-da! Yes! और ये बहुत स्पेशल समोसा है, और इसके बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मैसेज करना। तो अभी मैं एंजॉय करती हूँ। तो अगर आप डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है यहाँ आने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वियना आए हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा वियना का। और अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ ऊपर तरफ आके आप डाउन साइड वॉक करते हुए जा सकते हैं, जैसे अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो मैं नीचे का भी व्यू आपको दिखाती हूँ अभी कि कैसा है। Thank you.
अपने स्कूटर साइकिल से भी यहाँ पे आ रहे हैं। सी द व्यूज अमेजिंग, सी लॉट ऑफ व्यू। यहाँ नीचे में मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी लोग नीचे और जा रहे हैं, बट मैं यहाँ से अब ऊपर जाऊँगी। See the view. तो ये है वियना का कालिनबर्ग, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यू कैन सी इट। और मैं जा रही हूँ ऊपर। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अगर आप ये पूरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, क्योंकि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आप अमेजिंग वीडियो मिस कर जाएंगे। अब मेरी सांसें फूलने वाली है क्योंकि मैं ऊपर तरफ चढ़ रही हूँ। मुझे लग रहा है मुझे अपना वॉइस ओवर हटा के यहाँ म्यूजिक डालना पड़ेगा।
यहाँ से एक ट्रेन भी चलती है जो यहाँ पे पूरा घुमाती है कालिनबर्ग को। अगर आपको कभी जाना हो तो आप वो एक मिनी ट्रेन है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए अच्छे से। और यहाँ पे सोवीनियर वगैरह भी काफ़ी सारे मिलते हैं शॉप्स हैं यहाँ पे, जो टूरिस्ट हैं भी आना मेरे आने आते हैं उनके लिए। जैसे ये शॉप है यहाँ पे वियना से रिलेटेड सारे सोवीनियर्स हैं यहाँ पे, लाइक दिस। एक और शॉप है। ये सी कालेनबर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइज़ मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी अभी आने के बाद, और फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा पानी वगैरह पिया, थोड़ी देर बैठी मैं, तब मुझे थोड़ा सा एनर्जी आया है। तो अब हम वापस जाने वाले हैं और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन हमारा। और यहाँ वैसे मैं कई बार आ चुकी हूँ, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो पूरा स्नो था यहाँ पे, और अभी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई हूँ, ऑलमोस्ट ईयर के बाद, क्योंकि कोविड के कारण कहीं जाना तो हो नहीं रहा था। अभी फिर से शुरू किए हैं आना जाना इधर उधर। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कालिनबर्ग आपको अच्छा लगा है, तो जब भी आप वियना आएँ तो कालिनबर्ग ज़रूर आएँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जाके लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे फॉलो करते रहें। हाँ, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और दैट्स इट, तो बाय बाय सबको, हैव अ नाइस डे। नो, नॉट अ डे, अभी तो रात होने वाली है। तो यहाँ से मैं सबको गुड नाइट बोल रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।